हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर ब्रजेश। अब हम करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 43 फ्रॉम द चैप्टर सर्कल्स। उम्मीद करता हूँ कि इसके पहले के जितने जो भी 2 वीडियोस हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो आपके अच्छे गए होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने जो सिखाया। इस बार हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो है प्रैक्टिस सेट 43 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। यस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। ओके, नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको प्रॉपरली, नहीं तो नोटिफिकेशन का इशू होता है, ठीक है। हाँ, और शेयर कर पाओ तो ज़रूर करना अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। आर्क ऑफ अ सर्कल नाम की चीज़ हमने पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था सर्कल एंड उसके आर्क क्या होते हैं। मैं वापस से आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना आपका ए बी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड, ठीक है। और ये जो कॉर्ड के नीचे का एरिया है ना, एरिया नहीं बोलेंगे, नीचे का जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है ना, ए एक्स बी, मतलब ये वाला पार्ट, ऐसा वाला, ये जो है ना ए एक्स और बी, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या है ये? आपका माइनर आर्क। और ये जो आपको ऊपर गया ना, ऊपर का, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। ये है आपका मेजर आर्क। मेजर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? स्टार्ट हुआ है आपका ए से, फिर ऐसे घूम के आया है बी तक। सो ए वाई बी, ये आपका मेजर आर्क, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉर्ड है, अब ये कॉर्ड अगर आपका सेंटर से पास होता है, मतलब अब जो है ये आपका लार्जेस्ट कॉर्ड बन जाएगा। लार्जेस्ट कॉर्ड, सी डायमीटर इज नोन एज ए लार्जेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो होता है ना, वो आपका लार्जेस्ट कॉर्ड है। अगर आपका ये लार्जेस्ट कॉर्ड है, तो इसके ऊपर के जो आर्क है ना, ये जो आर्क आपका दिख रहा है, आर वाई टी, आर वाई टी, ये जो आर्क दिख रहा है ना, इसको या तो फिर नीचे वाला, दोनों एक्चुअली सेम है, एक्स आर एक्स टी, ये जो ऊपर और नीचे का है ना, इसको बोलते सेमी सर्कुलर आर्क। जो आपका डायमीटर होता है ना, वो सर्कल को तो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है, तो इसलिए ऊपर वाले जो आर्क है उसको भी हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, नीचे वाले आर्क को भी हम सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, ठीक है। याद रखियो, इंपॉर्टेंट चीज ये, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। डायमीटर से बड़ा कोई कॉर्ड नहीं हो सकता एक सर्कल में। और वो जो डायमीटर के ऊपर वाला जो सर्कमफेरेंस का पाथवे है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। इतना ही नहीं, जो आपका डायमीटर है उसके नीचे वाला जो आपका आर्क है, उसको भी बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क, ओके। अब अच्छा, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों आर्क इक्वल है, किस में? इसके केस में दोनों सेमी सर्कुलर आर्क इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ आर्क। सेंट्रल एंगल एंड द मेजर ऑफ आर्क, सेंट्रल एंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये आपका सेंट्रल एंगल है, सो एंगल ए ओ बी जो है सेंट्रल एंगल है। द मेजर ऑफ आर्क सबटेंडेड एट द सेंटर, ये जो सेंटर है ना, ये जो सेंट्रल एंगल है, वो जो आर्क सबटेंड कर रहा है ना, मतलब उसके सामने जो भी आर्क वाला रीजन है, उसको बोलते हैं सबटेंड करना। ए ओ बी के नीचे सामने जो आर्क दिख रहा है, वो ए जेड बी है, उसको बोलते हैं सबटेंड करना, उसके रीजन में आना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ दिस आर्क, ठीक है। तो जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और एक्चुअली आपके सर्कल में कभी भी आप सेंटर से ऐसा देखोगे ना, तो ये एक्चुअली कहलाता है सेक्टर, ये सेक्टर कहलाता है। और ये जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। तो मेजर ऑफ आर्क, कौन सी आर्क की बात हो रही? सेंट्रल एंगल के एग्जैक्टली सामने जो है। और सेंट्रल एंगल हम लोग जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा एक सिंबल है, थीटा एक सिंबल है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं थीटा, इस तरह से। कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा, थीटा। तो हम लोग इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं थीटा को। और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ए ओ बी सेंट्रल एंगल को, ओके। मेजर ऑफ आर्क समझ में आ गया। फिर मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होता है? मेजर ऑफ माइनर आर्क क्या होता है? देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया है इन्होंने मेजर ऑफ माइनर आर्क। अब देखो, इसमें से माइनर आर्क कौन सा है, आप मुझे बता पाओगे माइनर आर्क कौन सा है? ए वाई और क्यू,
ये जो पाथवे है ना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या है ये? माइनर मतलब छोटा, आर्क मतलब आर्क, तो छोटा आर्क माइनर आर्क। तो उस माइनर आर्क का मेजर क्या होगा पता है? जितना आपका सेंट्रल एंगल है ना 70, वो ही इसका मेजर होगा। तो मेजर ऑफ आर्क ए वाई क्यू इज नथिंग बट 70 ओनली, 70 ओनली, ऐसा 70 डिग्री। समझ में आप लोग को? इजी टू अंडरस्टैंड। जो आपका आर्क होता है ना, ये जो आर्क ए वाई क्यू, इसके सामने जो सेंट्रल एंगल दिख रहा है ना, उसको जो इसको छे के बैठा है, कवर करके बैठा है, उसका जो एंगल होता है ना, वही आपका ए वाई क्यू का आर्क का मेजर होगा 70 डिग्री। और इसको बोलते हैं मेजर ऑफ माइनर आर्क। लेकिन अगर मेजर आर्क की बात करेंगे तो आपको माइनर नहीं, आपको ये वाला मेजर देखना पड़ेगा, ए एक्स क्यू ये देखना पड़ेगा पूरा ऐसे पीछे से। और आपको मेजर आर्क अगर पता करना है, मेजर ऑफ मेजर आर्क पता करना है, तो आपको ये वाला एंगल नहीं, अभी आपको इस वाले एंगल की जरूरत है। और वो वाला एंगल होगा आपका 360 माइनस 70। पूरा सर्कल आपका होता है 360 डिग्री का, ठीक है? एक पॉइंट के भी चारों बाजू अगर आप घूमेंगे, वापस एक ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएंगे, तो भी आपने 360 डिग्री ट्रेवल किया है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर आप यहाँ से चालू करते हो तो घूमते घूमते यहाँ पे आ रहे हो, तो चलो आपने एक एंगल कवर किया, लेकिन फिर बाद में पूरा पूरा ऐसा कर रहे हो, पूरा आ रहे हो पूरा घूम करके, तो आपने 360 कवर किया। और उसमें से अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो एक्चुअली ये वाला पोर्शन आपका आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन आपका आया ना एंगल, वो है आपका 360 में से 70 माइनस 290, और 290 ही मेजर आर्क है। ये जो मेजर आर्क है ना ए एक्स क्यू, ये जो मेजर आर्क है ना ए एक्स क्यू, ये आर्क का मेजर हो गया है 290। ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा स्ट्रक्चर देख रहे हो सर्कल, और बाद में एक सेक्टर रीजन देखो, सेक्टर, ये सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है ना, वही इस आर्क का मेजर होता है। और यहाँ पे जो एंगल ये है ना, इस एंगल का मेजर जो है ना, वो इस पर्टिकुलर आर्क का भी मेजर होता है। दैट्स इट, आप इतना समझ लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में मेजर ऑफ ए सर्कल, मैंने आपको बताया पूरे सर्कल का अगर आप मेजर करोगे घूम के, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, घूम के घूम के घूम के वापस आ रहे हो, तो आपने 360 डिग्री कवर किया। कितना किया? 360 डिग्री। और अगर किसी ने पूछा आपको कि सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर कितना होता है, ये आपका डायमीटर है, मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, डायमीटर जो है, डायमीटर के ऊपर का जो आर्क होता है उसको कहते हैं सेमी सर्कुलर आर्क। इनफैक्ट डायमीटर के नीचे वाला जो आर्क होता है ना, उसको भी हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं। और किसी ने पूछा आपको कि सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर्कल का आधा। तो अभी आप सर्कल कितना है, सर्कल का मेजर कितना है? 360 डिग्री। 360 का आधा क्या होगा? 180 डिग्री। सो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर होता है 180 डिग्री, प्लीज डू रिमेम्बर। ओके, इतना पार्ट अगर आपका क्लियर हो गया है तो समझ जाओ कि आप थरो है प्रैक्टिस सेट 43 में जाने के लिए। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता के रखी हैं, लेकिन सोचा कि एक बार गो थ्रू कर लें, एक बार रिवीजन कर लें प्रैक्टिस सेट 43 के पहले। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द सम जो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इन आर्क ए वाई बी, आपका आर्क है ए वाई बी, इन आर्क ए वाई बी, या इन आर्क ए एक्स बी एंड आर्क ए वाई बी आर करस्पॉन्डिंग आर्क। अभी देखो, ये आपका मान लो ए है, ये मान लो आपका एक्स है, और ये मान लो आपका, ये आपका बी है, ठीक है? ए एक्स बी, ये ए एक्स बी जो है ना, इसका मेजर, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी जो है, वो आपको 120 दिया है, और वो कह रहा है मेजर आर्क ए वाई बी निकालो। ये वाई है आपका, ए वाई बी निकालो। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेजर आर्क, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, ए एक्स बी जो है, ये मेजर आर्क ए एक्स बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी, ये मिला करके क्या होगा? 360 डिग्री।
क्योंकि पूरा सर्कल ही कवर कर लिया ना आपने, पूरा सर्कल ही कवर कर लिया। अभी ए एक्स बी जो आपका आर्क है, वो आर्क अभी आपने, आप बोलोगे कि मैं यहाँ से यहाँ घूम के आ गया, उसके बाद आपने ये वाला पार्ट भी कंसिडर किया, तो सर्कल तो पूरा कर लिया आपने, तो 360 डिग्री मेजर मतलब डिग्री कितना होगा, समझ में आ रहा है। सो ए एक्स बी का मेजर 120 दिया है अपने को, और अपने को निकालना है मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी, ठीक है। सो देयरफॉर आपका मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी इज इक्वल टू 360 माइनस 120 एंड दैट इज इक्वल टू 240। आया समझ में आप लोग को? तो एक पार्ट दिया था मेजर सर्कल का, जो एक सर्कल एक सेमी सर्कुलर पार्ट जो है उसका मेजर दिया था, बाकी का आपको निकालना है, तो 360 में से माइनस करना है, तो आपका जो 240 आंसर है वो थर्ड है, थर्ड वाला आंसर, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड? नाउ सम आर्क्स आर शोन इन दी सर्कल विथ सेंटर ओ, राइट द नेम्स ऑफ माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम द। नाउ यहाँ पे सबसे पहले हम लोग माइनर आर्क की बात करेंगे। माइनर आर्क, माइनर मतलब छोटा वाला, विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्ड, नॉट लार्जेस्ट कॉर्ड बट नॉर्मल कॉर्ड। तो आप एक्स और पी के विथ रिस्पेक्ट में माइनर आर्क्स बताएंगे, तो पहले तो होता है आर्क, पहले तो होता है आर्क क्यू एक्स पी। क्यू एक्स पी आपका छोटा है, ओके। फिर आर्क एक्स पी आर, ये भी आपका छोटा ही है। आपको क्या ध्यान में रखना है, सेमी सर्कल टच ना हो जाए, सेमी सर्कल क्रॉस ना हो जाए, बड़ा आर्क ना दिखने लग जाए, तो वो मेजर में आ जाएगा, तो माइनर में ये हो गया। फिर आपका आर्क पी आर, पी आर एक आर्क है, उसको भी ले सकते हैं आप। फिर आपका आर्क पी आर वाई, पी आर वाई भी आपका सेमी सर्कुलर नहीं है, उसे छोटा ही है, तो आर्क पी आर वाई, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, आर्क आपका आर्क क्यू वाई, आपका आर्क क्यू वाई, क्यू वाई को ले सकते हैं, क्यू वाई, क्यू वाई भी छोटा ही है, कहाँ बड़ा है, ओके। फिर आप क्या ले सकते हैं, आर्क आर वाई, आर वाई ले सकते हैं, ओके, समझ में आ रहा है। फिर आप आर्क आर्क आर वाई ले सकते हो, आर वाई हो गया ना आपका, आर वाई, पी वाई, पी वाई, पी वाई हो गया क्या, नहीं, आर्क पी वाई, आर्क पी वाई ले सकते हो आप, ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आर्क पी वाई ले सकते हो, पी वाई भी छोटा ही है। सो ये सारे के सारे माइनर हैं, इनको बोलते हैं माइनर आर्क्स। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि मेजर आर्क क्या होगा, मैं पूछूं अगर आपको कि मेजर आर्क क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर हाफ, मतलब सर्कल का आधा क्रॉस हो जाना चाहिए। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आर्क क्यू पी वाई, क्यू पी वाई देखो यहां से ऐसा पूरा पूरा करके वाई तक आ रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे और वाई यहाँ पे। अब क्या मतलब, ये क्या, कौन नहीं समझेगा कि ये सर्कल का आधा क्रॉस हो चुका है, समझ रहे हैं आप लोग? तो थोड़ा सा अपने सोच समझ के करना। फिर आर्क पी पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, या पी वाई क्यू, क्यू पी वाई एंड पी वाई क्यू, क्यू पी वाई एंड देन पी वाई क्यू, ऐसा क्यू पी वाई क्यू ऐसा, ओके। फिर और क्या हो सकता है आपका आर्क, आपका आर्क हो सकता है एक्स वाई क्यू, कैसे, ऐसे घुमा कर पूरे यहां से स्टार्ट होगा, एक्स ऐसे घुमा करके, घुमा करके वाई एंड देन क्यू यहां तक आ गया, बस इतना ही पोर्शन आपने छोड़ दिया, तो फिर भी वो आपका मेजर मेजर आर्क हो गया, ओके ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है। फिर क्यू आर पी और कौन सा ले सकते हैं हम लोग, हाँ आर्क पी क्यू आर, पी क्यू आर ले सकते हैं आप लोग, पी क्यू आर,
यहां से स्टार्ट किया एंड देन यहां पे खत्म किया, तो पी क्यू मेजर आर्क, बड़ा वाला आर्क। ओके, फिर ओके एक और लिख सकते हैं आर्क क्यू आर एक्स। क्यू आर एक्स शुरुआत कहां से की, रुको इसको मिटाता हूं, रुको इसको मिटा देता हूं तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाएगा इसमें। ओके, आपका आर्क क्यू आर एक्स शुरू किया यहां से एंड यहां से होते हुए यहां तक पहुंचा, क्यू आर एक्स। ओके, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, समझ में आया। फिर आप पी एक्स वाई ले सकते हो, पी एक्स वाई ले सकते हो, पी एक्स वाई वो हुआ है क्या, नहीं हुआ। आप आर्क पी एक्स वाई ले सकते हो, आर्क पी एक्स वाई, पी क्यू वाई लिया है ना आपने शायद से, नहीं लिया। तो इतने सारे आपके आर्क हैं जो सर्कल का मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। लेकिन सेमी सर्कुलर आर्क क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर आर्क क्या है इसमें भाई, सेमी सर्कुलर, देखो सेमी सर्कुलर आर्क मतलब डायमीटर के ऊपर वाला जो आर्क वाला पोर्शन है वो, या तो फिर डायमीटर के नीचे नीचे वाला, कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, मतलब एक साथ नहीं लेकिन दोनों भी इंडिविजुअली सेमी सर्कुलर आर्क कहलाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आर्क क्यू एक्स आर, ठीक है, क्यू एक्स आर, आर्क क्यू वाई आर, क्यू एक्स आर क्यू वाई आर, इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क। मेरे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेमी सर्कुलर आर्क मतलब सर्कल के का आधा पोर्शन कवर हो जाना। तो क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर बोलो या क्यू एक्स आर बोलो एक ही बात है, क्यू पी आर बोलो या आर्क क्यू एक्स आर बोलो, क्यू एक्स क्यू पी आर बोलो या क्यू एक्स आर बोलो एक ही बात है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्यू वाई आर आपका पूरा का पूरा आधा सर्कल कवर कर ले रहा है, डायमीटर से स्टार्ट हुआ है एक एंड से दूसरे एंड तक खत्म हो गया, तो ये है आपका सेमी सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कल मतलब आधा किसका, सर्कल का, तो सर्कल के, सर्कल जो पूरा आर्क बनाए बैठा है उसका आधा। ओके, समझ में आ गया। ओके ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, इन ए सर्कल विद सेंटर ओ द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 110। एक सेंटर, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज, तो यहां पे आर्क है एक माइनर आर्क, इसमें एक माइनर आर्क है एक दो और यहां पे आ जाओ, चलो यहाँ माइनर आर्क, द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 110। तो सपोज ए बी सी लेते हैं, सो आपका माइनर आर्क, आपका माइनर आर्क है आर्क ए एक्स ए बी सी या ए बी सी, और मेजर ऑफ आर्क ए बी सी है 110, इसका मेजर है 110। व्हाट इज द मेजर ऑफ मेजर आर्क पी वाई क्यू, कौन सा भाई पी वाई क्यू, पी वाई क्यू यहाँ पे बचा हुआ, बाकी का जो सेक्शन है उसकी बात हो रही है, बचा हुआ पी वाई क्यू। सो आपका, मैं बोल सकता हूँ कि मेजर जो आर्क है आपका ए बी सी और आपका मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी, इनको ऐड करोगे तो 360 आएगा, पूरा सर्कल फॉर्म हो रहा है। अगर आप ए एक्स बी, ए बी सी एंड ए वाई सी इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका सर्कल बन गया। अच्छा, मेजर आर्क ए बी सी जो कि माइनर है उसका वैल्यू 110 है, प्लस मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए वाई सी इज इक्वल टू 360 माइनस 110, सो दैट इज इक्वल टू 250। कितना, 250। ऑलवेज रिमेंबर आपका ये सर्कल है, आप जब आर्क की बात कर रहे हो ए एक्स बी सपोज आर्क की बात करो तो आप यहां से लेके यहां पे आने की बात कर रहे हो, ठीक है ऐसा।
वही चीज है, आपको ए ए बी सी दिया था, माइनर आर्क का मेजर दिया था आपको 110, आपको बाकी बचा हुआ जो ए वाई सी है उसका मेजर देना था, और जो कि 360 में से 110 माइनस करने पर आया। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा, तो आज पर्टिकुलर क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम करने वाले हैं क्या, जब हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग सॉल्व एग्जाम्पल्स, इस क्लास में खाली मेजर ऑफ आर्क, ये इसके रिलेटेड सम्स हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, और आपका सपोर्ट मिला और आप यहाँ पे देखने आए हैं वीडियो, और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है। तो मिलते हैं, इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यूड रखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड देन विल वाइंड अप द चैप्टर। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज ये वीडियो बहुत काम आएगा सबके। थैंक यू, डू टेक केयर फॉर योर सेल्फ, बाय, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बच्चों।